आजकल बाल झड़ने की परेशानी आम हो गई है। पुरुषों के बाल छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। बावजूद इसके उनके बाल तेजी से झड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल और खानपान है। हालांकि कई बार बेहतर लाइफस्टाइल और सही डाइट के बावजूद भी पुरुषों में तेजी से हेयर फॉल होते हैं। बाल गिरने की शुरुआत होते ही सबसे पहले पुरुषों के सिर के बीचों बीच के बाल गायब हो जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। डॉक्टर्स की माने तो पुरुषों में बाल झड़ने का सबसे प्रमुख कारण एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया है। इसे मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं। इसके दो कारण हैं, पहला जेनेटिक और दूसरा मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। डॉक्टर्स की माने तो पुरुषों में बाल झड़ने की शुरुआत सिर के बीचों बीच से होती है। सबसे पहले बीच और साइड के बाल गिरते हैं, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस की वजह से होते हैं। अगर फैमिली में किसी को पहले से बाल्डनेस की परेशानी है तो इसका रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स की माने तो पुरुषों में बाल झड़ने का दूसरा कारण बढ़ता स्ट्रेस और न्यूट्रिशन की कमी है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से शरीर का हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और हेयर फॉल की समस्या बढ़ती है। कुछ जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से भी पुरुषों का हेयर फॉल बढ़ जाता है। वहीं कई बाहरी कारणों की वजह से भी हेयर फॉल की समस्या हो सकती है, जैसे अगर आप ऐसे पानी का नहाने में इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये सभी बालों में जम जाते हैं और उसकी ग्रोथ को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा बहुत से पुरुष बहुत ज्यादा जेल या वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं और हेयर फॉल का कारण बनते हैं। साथ ही हीट स्टीम, ब्लोअर या ड्रायर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी पुरुषों के बाल को सबसे पहले गिराता है। इनमें सिर के बीचों बीच के बाल सबसे पहले झड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।